आइए एक बार दोबारा कर लेते हैं। 3, 2, 1, 4, 6। तो 1 1 1, कितना रिमाइंडर आया? 21 लिया। फिर 1 का डबल 2, यहां पे 1 ऐड करते हैं, जो यहां पे आता है यहां ऐड करके यहां 2 आया। फिर यहां बॉक्स लगा दिया, यहां बॉक्स लगा दिया, तो किससे जाएगा बोलो? 7 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
नीचे यस सर और ऊपर से क्या आ गया 46 आ गया 46 तो ये जो बॉक्स में 7 आया इसको फिर ऐड करना है 34 हो जाएगा ठीक है अब मैं किस पे कितना आएगा 3141 रिमाइंडर कितना आया 105 कहने का मतलब अगर ये 105 ना होता मतलब ये तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से ही आया ना ये वैल्यू 105 कम होती ये वैल्यू इस नंबर की वजह से है ना इस नंबर में से 105 अगर आप माइनस कर देते तो वो जो नई वैल्यू आती वो एक परफेक्ट स्क्वायर होती समझे अब क्वेश्चन का मतलब यानी कि 32146 में से क्या माइनस किया जाना चाहिए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 105 करो 105 माइनस करके क्या आएगा फिर 32041 और अगर वो पूछ ले जो माइनस करके नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 179 ही तो आएगा वही तो है ना समझे मेरी बात लेकिन इतना उसने पूछा ही नहीं है उसने सिर्फ क्या पूछा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 32146 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर तो आंसर क्या आएगा 105 इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल 105 अब इस क्वेश्चन को देखो एसएससी सीएचएसएल वालों ने ऐसे पूछ लिया अब सेम क्वेश्चन अगर कैट में पूछा गया तो यूं था कि एक मेजर जनरल था उसने सैनिकों को खड़ा करना था ठीक है जितनी रोज थी उतने कॉलम थे उसने जितनी रोज ठीक है जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस उतनी वर्टिकल लाइंस या जितनी रोज उतने ही कॉलम्स लेकिन फिर भी ना उसके कुछ सैनिक बच गए कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कितने सैनिक बच गए जो उस रो और कॉलम के अरेंजमेंट में नहीं आए जितनी रोज और उतने कॉलम तो हमारा आंसर क्या होगा अगर मैं 105 हाँ अगर मैं इन 105 सैनिकों को ना लूं समझ रहे हो तो मेरे पास कितने बचेंगे 32041 बचेंगे और 179 का स्क्वायर होता है यानी कि 179 रोज होंगी और 179 कॉलम्स होंगे उनमें ये सैनिक खड़े किए जा सकेंगे और मतलब टोटल इतने हैं तो 105 सैनिकों को साइड में खड़ा करना पड़ेगा अगर वो ये स्क्वायर ग्रिड बनाना चाहता है तो इस तरह के बेटा घुमा फिर आगे क्वेश्चंस आते हैं बोलो सर तो क्या है क्वेश्चन ए जनरल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू क्रिएट ए फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 36562 आर्मी मैन वही जितनी रोज है उतने कॉलम्स है वही तभी तो स्क्वायर बनेगा ना आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी मैन रिमेन अनयूज्ड कहीं को यूज ही नहीं करना पड़ा उनको यूज किए बिना ही एक स्क्वायर फॉर्मेशन बन गई फाइंड द नंबर ऑफ अनयूज्ड आर्मी मैन तो बिल्कुल जैसे मैंने एक तो तरीका ये बताया 36562 का स्क्वायर रूट निकालना है आपने अगर निकाल सकते हो परफेक्ट बनता है तो ठीक है नहीं तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास तो 1 × 1 ठीक है 1 तो कितना बचा है यहाँ पे 265 ये 1 इसमें ऐड करते हैं ये सबको मालूम है यहाँ 2 आया अब किस पे जाएगा बोलो 29 का क्या हुआ 261 कितना रिमाइंडर आया बोलो 4 62 ठीक है अब ये 9 इसमें ऐड कर दो 38 वनजा टूजा पे तो वनजा सर 1 पे जाएगा कितना बचा 81 मतलब 81 इस 462 में ना होता तो ये 381 पूरा चला जाता 462 में ना होने का मतलब पूरे नंबर में ही ना होता यस सर तो 81 एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा मैंने क्या बताया हुआ है ऑप्शंस दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं क्या बोला
इस दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके लास्ट के टू डिजिट वन स्क्वायर से 24 स्क्वायर के नंबर के ही होंगे। यानी कि अगर आपके मन में आया सर 64 का स्क्वायर होता है 4096, ये 96 लास्ट के टू डिजिट है इसके, ये 96 जरूर वन स्क्वायर से 24 स्क्वायर के बीच में मिलेंगे। क्या होता है वन स्क्वायर से 24 के स्क्वायर में 96 किस में आता है? 14 में आता है। तो इस तरह से अगर आपको 678 का स्क्वायर होता है 6084, क्या बोला 78 का 6084, ठीक है, इसके लास्ट के टू डिजिट 84, एक से लेके 24 तक के स्क्वायर में क्या किसी नंबर के स्क्वायर में 84 आता है? यस सर। 22 के स्क्वायर। तो अगर वो चीज आपको पता है तो कई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन तो नहीं, जैसे मैंने पिछला कराया था वो ऑप्शन से नहीं हो सकता था, लेकिन कई क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे। क्योंकि जब हम 36 माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब इसमें से 36 माइनस करेंगे तो लास्ट के टू डिजिट क्या बचेंगे? 26। तो क्या एक स्क्वायर से लेके 24 स्क्वायर में 26 आता है किसी नंबर में? नहीं सर। तो 36 आंसर नहीं हो सकता। अब 65 अगर मैं माइनस करूंगा तो 97 बचेगा। वैसे भी कोई 7 में तो पक्का एंड नहीं होता, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। 81 माइनस की इस पूरे कंप्लीट डिजिट से हम 65 माइनस कर रहे हैं। हाँ, पूरे नंबर से। अब 62 में से 81 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3681। तो ये आंसर हो सकता है, जब तक अभी अगली चेक करो, पहले तो 97। अगर आप इसमें से 97 माइनस करते हो 65 है, और वो एक स्क्वायर से 24 स्क्वायर में एंड नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बच गई। लेकिन हर बार ऑप्शन से नहीं होगा, फिर आपके पास ये वाला मेथड तो है ही है जो मैंने आपको बताया, ये तो हमेशा ही एप्लीकेबल।